चौधरी देवीलाल के परिवार का एक बंदा, एक आदमी हुआ है ना, वो विधायक बनेगा, चाहे कोई बन जाए। लोगों को क्या चाहिए? पब्लिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार मिल जाए। तीन चीज़ों से बहाल हो जाता है देश, ये चीज़ें मिल नहीं रही। रोजगार तो बीजेपी कह रही है, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतने रोजगार दे दिए। सब अभी भी बहुत घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले काम करो फिर वोट मिलेगा। हाँ, फिर पहले नहीं दूंगा वोट नहीं दूंगा। यहाँ पहली बात तो ये सरकार की खिचड़ी बनेगी अब की बार। ये तो यानी फुल बहुमत किसी को आ जाएगा, ये तो नजर ही नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर, मैं हूं आपके साथ प्रमोद। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में, और यहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल बन रहा है। क्या बीते 10 साल में बीजेपी ने जिस तरीके के वादे और दावे कर रही है उस पर खरा उतर पाई है या नहीं उतर पाई है? क्या ग्रामीण अंचल में उस तरीके का विकास हो पाया है जैसा गांव देहात के लोग चाहते हैं? कितना विकास हुआ है? तमाम इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। यहाँ से इनेलो की तरफ आदित्य चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला है, और बीजेपी की तरफ से यहाँ से जो है वो बलदेव सिंह मांगियाणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के जो विधायक है उन्हीं को टिकट दी गई है, अमित सिहाग को यहाँ से कांग्रेस की तरफ से। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, कौन सा यहाँ इस सीट पर आगे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मुद्दों की हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, और ये एक तरह से गाँव देहात के अंदर यूँ कहा जा सकता है कि माहौल बनाने के लिए पंचायत में लोग बैठे होते हैं आमतौर पर इस तरह की जगह पर। क्या नाम है जी आपका? जगराम। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, तो ये जो बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार थी, इसमें 4 साल जेजेपी की भी थे, कोई काम वाम हुए हैं क्या? हमारा तो अजय सिंह ने किया जी। हाँ, अजय सिंह ने हमारा काम करे। क्या काम किया जी? काम हमारे तो 5 साल लड़के लगा दिए नौकरी पेशे में। वो सरकारी लगे हैं या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी लगे हैं। सरकारी लगे हैं। तो वो कैसे लगाए हैं? क्योंकि खट्टर सरकार तो ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अजय सिंह ने लगाए हैं। अजय सिंह ने लगाया जी, अजय सिंह ने। हाँ, इनेलो पार्टी में। इनेलो में? इनेलो में, जब इनेलो की सरकार थी तब की बात। हाँ, तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो बीते जो खट्टर सरकार है इसने गांव लेवल पे कुछ काम वाम किया है क्या? हमारे को पता नहीं है, उसको पूछो। अच्छा, अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है? दिग्विजय की आनी चाहिए। दिग्विजय की? यहाँ डबवाली से? डबवाली। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मुझे आप ऊंचा बड़ा सुनना जा रहा है। क्या सुनते हैं? अच्छा, ऊंचा बड़ा सुनते हैं। ताई जी के पास चलते हैं, अब तो सारा ऊंचा सुनी चल लगी हो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मुझे ये बताइए कि सरकार काम वाम कर रही है क्या कुछ? जी, साडा तो कोई काम नहीं करया सरकार ने। साडी गली देख लो, मेरे मकान देख लो, बिचों भी फुटे पे टेड़ा छड्डी खड़िया, साडा हाल नहीं, असी बूढ़े बंदे हैं ते ना साडी सुनाई हैगी। एक कोठी वाला उसने ठिटकरी खड़िया, साडी गली बनती सी बन नहीं दिती सी। बीजेपी तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 100 गज का मकान मिलता है गरीबों को, वो मिला नहीं क्या? ना, सानू कोई सरकारी चीज नहीं मिली, कुछ नहीं मिला सानू जी, कुछ नहीं मिला। वो बिरद बैठा मैं रहूंगी, कुछ नहीं मिला सानू। तो ये बताइए फिर, अब तो चुनाव आ गए हैं, अगर कोई सरकार काम नहीं करती है, क्योंकि आप लोग भी वोट डालेंगे, तो सरकार को बदलने का आपके पास अधिकार है, हक है, तो वो अब की बार क्या लग रहा है फिर, आप किसकी तरफ जाएंगे? वोट किसको डालेंगे? असि चौटाले वाले पावांगे वोट, कुंजी नू पावांगे। अच्छा, कुंजी नू? हाँ, जेजेपी को? हाँ। ऐसा क्यों? ये तो फिर सरकार में तो वो भी थे, 4 साल उनकी भी सरकार रही। हाँ हाँ, देखो जी मेरी गल सुनो, साडे अगे ना अपने काशी सरपंच सी, मैं शुरू तो दस दी हां, काशी सरपंच सी, ये कहने सानू थोड़ी जी गली टप्पू दे दो, असी राह छडाता उन्हां। जेड़ा जगदीश सी अपने चटाले वाला, उसने आके भी थां नहीं गली नहीं देनी, जे सरपंच करदा तो मका देवे, कासी ते सी सरपंच कासी उदों, जे करदा तो ठीक आ, ना करूगा तो खुद मैं आप करके दूंगा, गली नहीं देनी। ये कासी नूं जदों असीं चटाले वाले दी पर्ची जगदीश दी फड़ाई, कासी कहना थाने च बसां भर गईयां जी, असीं कदे थाने दा मूंह नहीं देखिया सी। अच्छा, असीं जदों गए उत्थे ते उथों कासी कहना भी सिरजा मार के कसी कहना मैं मकाऊंगा कसी ना आ गली है जी इथों दी थोड़ा जा फिरनी सी समझ लो वो फिरनी सानू देती इधरों गली घटाती कासी सरपंच ने सानू हुण इधरों भी मगरों भी रौला पै रहा साडे अगे भी गली दा रौला बैठक बना रहे हैं। फिर समाधान कौन करेगा, इसका हल कौन निकालेगा? हुण तुसी निकालोगे असी हुण की करिए, तुसी करोगे, सरकार बनाएंगे, सरकार ही निकाल पाएगी ना। हाँ हाँ, सरकार फिर किसकी चाहते हैं आप? अच्छा चौटाले वाली चुनने। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मूर्ति जी। ये बताइए, अब तो चुनाव आ गए, चुनाव में जितनी भागीदारी आदमियों की, पुरुषों की होती है उतनी ही आप महिलाओं की है। आपको घर भी देखना पड़ता है, आपको बच्चे भी देखना पड़ता है, बच्चों की फीस को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। अगर इसमें सरकार का सहयोग होता है तो महिलाएं जो है वो खुशहाल रहती है। आप मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में क्या बीजेपी की सरकार ने ऐसा काम किया महिलाओं के लिए? साडा कुछ नहीं करे भाई, डका नहीं, साडा कुछ भी नहीं करे। कोई सरकारी मकान आंदे, कोई ओ नहीं, कोई साडी कोई गली नहीं, साडी गल मैं कह बच्चों ताई साडा कोई सहूलत नहीं साडी आई, जमा नहीं आई। कहंदे कलोनियां मिलदियां, मकान मिलदे, कुछ नहीं भाई। सां सारी सरकार आ गई, साडा कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बने। तो अब क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव में महिलाएं एक अहम रोल अदा करती है, इस बार क्या आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही सरकार ठीक है, कभी ना कभी काम करेगी? तो भाई ये नहीं भला कोई सरकार उठे साडा काम पहला कर दे, साथ वोटा ले ले, इस तो हम अके पे वोटा साडा आए भी, इस तो चूल्हे च बालदी साडी सरकार, कोई सुनदी नहीं। असीं जेड़ा काम करू वही साथ वोटा ले ले। यहाँ पे जैसे डबवाली की बात करें तो डबवाली में पिछली बार अमित सिहाग को जिताया आप लोगों ने, वोट तो आप लोग डालते हैं, फिर भी इस बार आदित्य चौटाला है, अमित सिहाग है, दिग्विजय है, ये कई लोग हैं, चौटाला परिवार मुख्य तौर पर है, तो इनमें क्या लगता है आपको? हुण असीं ऐ कहने भी संत जे चाबी वाला काम करूगा तो चाबी वाले नूं वोट पा दांगे असीं वोट, साडा काम होना चाहिदा। चाबी वाले तो पिछले 4 सालों से बीजेपी के साथ ही थे, सरकार में थे वो, तब काम नहीं हुआ। साडे मोदी ने भी नहीं करे, कुछ नहीं करे, साडा डक्का ही नहीं करे भाई, साडे किसी ने भी नहीं करे। तुहानूं कही जाने जदों दी सरकार बनदी साडा कुछ नहीं होया, अस तां पाउंदे नहीं, साडे तक्के पए हुण, कोई साडी ना सुनाई ना लेण देण। वोट तो डालना चाहिए, एक जो आखिरी में एक नोटा लिखा होता है, सुनते नहीं भाई, ऊपर भी डाल सकते हैं आप, वोट तो आपका अधिकार है ना। हां वोट पाउने हैं, बस खूह च सिटण वाली गल साडी कोई सुनाई नहीं गई हले तक, हां कोई सुनाई नहीं। ओ बुढ़िए नाल गल कर लो बस, साडी कोई सुनाई नहीं। हां जी ताऊ जी दस दो अपना, क्या नाम है जी आपका? जगराज सिंह है जी। ये बताइए, सरकार काम वाम कर रही है क्या? ये तो कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों की तनख्वाह बढ़वा दी, बच्चों को नौकरी लगा दी, गाँव के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? पेंशन तो साड़ी कल यही पेंशन साढ़े पल्ले और कुछ नहीं आ। मकान साढ़े पिछले भी बस रोक रखे, कदे कदे आख देंगे कहते भी आ जगह साड़ी है, वो गली वाले कहते आ साड़ी है, है सानू लंघन सड़क चाहिए, सड़क में ये तो ताऊ जी ये सुनो तो सही, नहीं डिगे पैसा, मेरी बात सुनो, ये काम ये जो आप बता रहे हो ना, ये काम होते हैं पंचायत के। अब मौके का जो चुनाव चल रहा है वो चल रहा है हरियाणा का, ठीक है, ये काम जो होते हैं जो आप बता रहे हैं ये पंचायत का काम है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? ना ना सारा कुछ नहीं कर रही, ना ना कुछ नहीं। अब की बार फिर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वोट तो आप लोग डालेंगे, तो अब की बार क्या लग रहा है हरियाणा में, किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? नवी होनी चाहिए, गल सीधी अपने को। नवी कौन सी? जैसे अब की बार तो चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, केड़ी सरकार दे आए काम जेड़े तुसीं बैठदे हो, ए काम किहदा है, केड़े दा? चौटाले वालेयां दे कोई होर दा है? चौटाले वालेयां दा ए तां सारेयां दी सांझी गल मुका। हां पा देंगे जी, चल जाओ। हां जी, क्या नाम है जी आपका? रोशन लाल जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, नेता लोग भी खूब घूम रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव में जीत जाते हैं तब कोई नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब जरूर दिखते हैं। वो तो ऐसे है जी, जिसकी सोच सही होगी वो तो चक्कर लगाएगा ही, जिसकी सोच सही नहीं होगी वो क्यों आएगा। तो अब ये जो नेता है इनमें किसी की बढ़िया सोच दिख रही है आपको? देखो जी, अभी तक तो सारे सही है, आगे पता चलेगा, क्यों यहाँ तो वोट जितने भी जाएंगे चौटाला परिवार को जाएंगे, सारे कैंडिडेट इनों के हैं, गलत है। हाँ, पर जिताएंगे कौन से चौटाला को, ये तो बता दीजिए। कोई भी जीते। हाँ, ये तो आपको कोई नहीं बताएगा मैं उस जगह पोल करूंगा। हाँ, कोई बताएगा? हाँ, कोई नहीं बताएगा। लोगों को क्या चाहिए, पब्लिक को? हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। हाँ, रोजगार मिल जाए, 3 चीजों से बहाल हो जाता है देश। हाँ, ये चीजें मिल नहीं रही। रोजगार तो बीजेपी कह रही है हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतने रोजगार दे दिए। सब अभी भी बहुत घूम रहे हैं, ये थोड़ी अभी सारी सर्विस लग गई, बहुत लोग हैं। अब लोग जागरूक हुए हैं, अब लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो उससे क्या है, सब बढ़िया हो जाए। अब मुझे ये बताइए, फ्री दवाइयाँ मिल जाएं, शिक्षा फ्री बढ़िया मिल जाए, और क्या चाहिए, अपने आप बच्चे स्टैंड हो जाएंगे। ये दवाइयों वाला जो कंसेप्ट है, फ्री वाला, फ्री शिक्षा वाला कंसेप्ट तो दिल्ली से चल के आया, आम आदमी पार्टी ने ट्रेंड शुरू किया, तो उसके बाद में किसी ने किया या हरियाणा? ना जी, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है काम। क्या है, जो सस्ती दवाई है 10-20 रुपए की, बहुत हिसाब मिल जाएगी। ये तो है नहीं कि अल्ट्रासाउंड या किसी का कोई टेस्ट फ्री हो जाएगा, वो तो होता नहीं। ये जो अपना जो कार्ड बना है आयुष्मान कार्ड, इसके कोई फायदे वायदे मिल रहे हैं क्या? इसके फायदे तो बहुत मिल रहे हैं अगर सही दिशा में यूज हो जाए तो, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी क्या करें, वो भी खराब करते हैं। आगे कह देते हैं हाँ तुम्हारा आयुष्मान चला देंगे, लेकिन बाद में कह देते हैं इतने पैसे लगेंगे। मेरे साथ आप हुई है, बठिंडा गया था मैं, तो उसके अंदर आयुष्मान कार्ड के अंदर तो सिर्फ ऑपरेशन फ्री है, डॉक्टर की फीस फ्री है, दवाइयों के पैसे लगेंगे और आपके टेस्टों के पैसे। मेरे हार्ट की शिकायत हुई थी जी, 1.5 लाख रुपए मांगा बठिंडा, क्या 1.5 लाख में कर देंगे, आयुष्मान चला देंगे, चलो आ जाना फ्री हो जाएगा। गए जब कहने लगे 1,35,000 जमा करा दो, बताओ 1.5 लाख और 1,35,000 में क्या फर्क रहेगा? तो ये हो रहा है, की फीस माफ हुई है, कुछ भी नहीं, फिर जाके इजहार करवा के आए। तो अब यहाँ पे डबवाली की बात करें तो डबवाली में एक तरफ आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अमित सिहाग, कुलदीप गदराना आम आदमी पार्टी से है और बलदेव सिंह मांगियाणा जो है वो बीजेपी की तरफ से है, तो इनमें क्या लग रहा है, कोई है आपके जहन में सबसे? यहाँ पहली बात है, सरकार की खिचड़ी बनेगी अब की बार, ये तो है नहीं फुल बहुमत किसी को आ जाएगा, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। दावे तो हर एक ही करता, देखो भाषण देगा कोई भी कैंडिडेट आके, हमारी सरकार बननी है, यही कहेगा, और कोई स्पीच नहीं होती। लेकिन वो तो अब लोगों को नजर आ रहा है, इनेलो की भी मतलब सर्वे में दिखाने लग रहे हैं, बीजेपी की सरकार तो भी दिखा रहे हैं, जजपा की भी दिखा रहे हैं, आम आदमी का तो ज्यादा वजूद नहीं है यहाँ। देखो कहने को तो कहते ही हैं, यही है 3 पार्टियाँ। तो इनमें आपकी पसंद की कौन सी है? सारी हमारी तो पसंद की है जी, सारी उम्र इनके पीछे ही हो गई। अच्छा। और बताओ, चौटाला परिवार है तो आप कह रहे कि सारे पीछे ही है, हम तो किसी को डल जाए वोट तो इनकी ढोलकी में जाएगा। क्या नाम है जी आपका? सतपाल। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में बीजेपी की जो सरकार रही, इसमें 4 साल जेजेपी भी रही भागीदार, इन्होंने मिलकर कुछ काम वाम जनता के लिए किए, गांव देहात के लिए किए कुछ ऐसे? मेरे को तो नजर आता नहीं यहाँ पे, हमारे तो नहीं गांव के काम नहीं। सरकार दावा करती है बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी, आयुष्मान कार्ड बनाया, इलाज जो है वो फ्री हो रहा है, सड़कों का जाल बिछा दिया, कई तरह की योजनाएं जो है, जैसे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी, ये सब। बुजुर्गों की पेंशन तो फिर भी दिखती है, बाकी सब चीजें दिखती है नहीं। जो मेन मुद्दा है ना वो बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करे घूम रहे हैं, किसी को नौकरी तो है नहीं। क्या हुआ जब वो अगर कोई इक्का दुक्का लग गए हैं कोई डी ग्रेड के अंदर, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करी बैठे हैं, पीएचडी की है किसने, बीएड एमए कर रखी है, वो 4th ग्रेड में लगता तो फिर मामला तो बैठता नहीं ना, कितना खर्चा भी करता है पढ़ाई करता है। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में है इस बार या नहीं? चुनाव में भी था, अब भी होगा, तो पिछले चुनाव में था, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी की सरकार काम नहीं, पूर्ण बहुमत से तो नहीं बनी ना ऊपर, लेकिन जेजेपी ने तो मिलकर बनवा दी सरकार, फिर वो चीज तो बहुत अलग बात रहेगी, वो तो उनकी भागीदारी थी, वो तो तभी चली है ना सरकार। तो यहाँ अगर डबवाली की बात करें तो अमित सिहाग 5 साल विधायक रहे, क्या कुछ ऐसी आवाज़ विधानसभा में उठा पाए या कोई जो अपने विधायक फंड से कुछ काम करवा पाए? विधायक फंड से तो जो आता उनके पास रहता वो तो लगाएंगे लगाएंगे ना, और काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ। और तो फिर अब की बार इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबवाली की बात करें तो एक तरफ चौटाला परिवार के 3 ऐसे कैंडिडेट जो मजबूत स्थिति में नज़र आते हैं आज की तारीख में, एक बलदेव सिंह मांगियाणा जो है वो बीजेपी की तरफ से है और कुलदीप गदराना आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको छोड़कर या उनको मिला दें तो इनमें से कौन सा भारी है? चौधरी देवीलाल के परिवार का एक बंदा, एक आदमी हुआ है ना, वो विधायक बनेगा, चाहे कोई बन जाए। भारी कौन सा दिखता आपको अभी हाल फिलहाल? तीनों भारी हैं वो तो। हाँ। चौधरी देवीलाल के परिवार के तीनों भारी हैं, इनमें से एक बनेगा, कोई बन जाए। वो तो हमें भी पता है कि एक बनेगा, लेकिन बनेगा कौन सा? आपकी फेवरेट पसंदीदा कौन सा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो उनकी किस्मत है, वो तो जो बनना वही बनेगा, जो बनना वही बनेगा। बनाएंगे तो आप ही लोग ना? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। तो कोई है पसंदीदा उम्मीदवार? दिग्विजय है। दिग्विजय बिल्कुल। दिग्विजय क्यों पसंद है? युवा है, काम करेगा, अच्छा काम आ रहा है। हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी अभी खोली है बच्चों के लिए, तैयारी करेंगे बच्चे और अपने आगे जो भी एग्जाम की तो तैयारी अच्छी हो सकती है उसके अंदर। पहले कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ना कोई, जाते हैं तो बच्चे बाहर जाते हैं, अब गांव के अंदर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि दिग्विजय ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सर खाड़ा सिंह जी। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, नेता लोग खूब घूम रहे हैं, कोई काम का नेता भी दिख रहा है क्या? काम का नेता पहले तो कांग्रेस का मिले ना, कोई काम नहीं करे हमने, कोई भी काम नहीं। एक बारी आया गांव में विधायक बन के, एक बारी चक्कर लगाया उसने, कोई काम नहीं होया। अगर जे तुम दिखाइए हमारे जुड़े का काम ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कैमरा घुमा के आप भी देख सकते हो कि क्या हाल है, डंगर बिच बढ़ूगा, पशु कैसे निकलेगा, कोई घाट नहीं बनया, कोई झाल नहीं बनया, यानी कोई भी काम नहीं होया। ते जिहड़ा कोई साडा गरीबां दा रोजगार वो भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद होया पिया, होर कोई नहीं। कांग्रेस की सरकार तां की आउंदी नहीं, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बनता, ये बनया चौटाला परिवार का ही बनना, कोई भी विधायक ना तिना चो बन सकता है, तो सारे एको ही चीज़, ये एको ही चीज़ है सारी, पर इन्हों का विधायक बनना बनना, कोई भी बन जे। हाँ बस, इस तो उत्ते कुछ नहीं कह सकते सी। ये बताइए फिर मुझे, आपने कहा कि इन तीनों में से बनेगा, आपका पसंदीदा कौन है? एक तरफ दिग्विजय है, एक तरफ आदित्य है और एक तरफ अमित सिहाग है। अमित सिहाग कांग्रेस से, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी ना, कांग्रेस नूं असीं पहलां इत्थों जिता के तोरिया आपके गांव में, पर अभी वोट नहीं डालेंगे उसको। दिग्विजय सिंह आओगे, दिग्विजय आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अच्छा आप नहीं बोलेंगे, आपका क्या नाम है जी? आत्माराम। आप मुझे ये बताइए फिर, हरियाणा में क्या माहौल बन रहा है इस बार? ऐतकी नाम नहीं पाएंगे वोट जी। बलदेव सिंह मांगियाणा। बलदेव सिंह मांगियाणा, बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी ठीक है जी, नवा आदमी है, उसको देखेंगे, इनको देख लिए पहला, अच्छा 10 साल हो गई, उम्र से वोट गिर रहे हैं इनको, कुछ करे ही नहीं इसने। बीजेपी काम ठीक कर रही है? हाँ ठीक कर रही है। हाँ जी, आपके यहाँ पे काम वाम हुए हैं? कुछ वोट पाएंगे नमे को। हाँ नवा तो इस बार कुलदीप गदराना भी है, बड़े लंबे अरसे का इंतजार कर रहे थे, पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए। मांगियाणा को देंगे जी, मांगियाणा को। हाँ जिम्मेदार आदमी है वो, जिम्मेदार आदमी ठीक। तो ये कह रहे कि मांगियाणा को डालेंगे वोट। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नारा बनवारी है भाई जी। ये बताइए किस मैं पता कौन है बे, बैठा बात कर ले, बात होगी नहीं बे, बैठा बांगसा की होगी बात है। अब मैंने भाई जी मैंने बोलना को नहीं है मन। मुझे ये बता दीजिए कि सरकार काम वाम कर रही है कि नहीं कर रही? की होने सरकार कहाँ है, अब तो बस बंद है काम सारा कोई। हमारा 50 वोट है, ऐसे ही कर दी है सारा, कोई हमारा मकान हमारा को नहीं आयो, प्लाट हमारा को मिलो, आप बंदा काम दे गए। तो फिर अब की बार क्या लग रहा है? एक तरफ दिग्विजय है, एक तरफ आदित्य है, एक तरफ हाँ आदित्य और उठे आदित्य और कोई उठे गाँव आवे। मैं आई बात करें, मेरे बालविंग में अंदर है अठे गाँव में, वो मैं तैयार करा दो, अब बाद में कौन पहला लूँगा अठे 10 लाख है 5 लाख है पर जमा करा दूँ किन्ने। आप कह रहे कि पहले काम करो फिर वोट मिलेगा? हाँ फिर मैंने पहले नहीं दूंगा वोट नहीं दूंगा, कोई सा भी नेता आ जाए। हाँ कोई आ जाए भली। हाँ ये भी बात सही है कि भैया काम करके जाओ फिर देंगे करो है, मेरे मंदिर बनाओ बालवी को, ना मानो साइड में रह जाए, छोटो सी है, मैं गरीब आदमी है, मैं कौन पूरा वहाँ करके जाटा फिर वोट हमारा 21-22 वोट है, हमारा 21-22 वोट और लाऊंगा, तो मेरा आप बंदा बैठा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि काम करेंगे तभी वोट मिलेगा, पहले पैसा जमा कराओ। ठीक है। हाँ जी बताइए मुझे फिर, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो जी गरीबों तो ही रहना है, आगे किंगी सरकार है क्यों, गरीब का तो कोई जान वाला आदमी है ही कोई भी है जी। अब भाजपा अपने 10 साल हो गया लगातार, तो सड़क बनाने में जोर है, किंगा मकान या जी छप्पड़ में अब कम जोड़ है जी, वो इनमें कम लाखों ईंटा दबा दिया था। ते व्यर्थ है जी, कोई काम ही को नहीं ना तो पूरा काम है अध बेचारा छोड़ दिया बे जी गरीबा जे दो दो चार चार मकान गलायडा वार तो आज ललकर मार के वोट गला कहदार भी हाँ अस मोदी दे बंदे हैं जी कौन के डर के तो ई ची कांग्रेस गए ची दूसरी पार्टियां तो काम को नहीं होना रही गरीब आदमी गरीब को तो वही को नहीं तकड़ा काम पतो के है जी मैं स्पष्ट हो जाऊँ फिर पत्रकार सा कई बार है ना अब यहाँ सरकार पत्रकार आया जाए और मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ मैं विश्व मानव अधिकार को परिजन टूटा बड़े लोग को प्रमोदगढ़ गाँव में सिंह चौटाला तो ये मैं चौधरी साहब पतो की है भी ये गरीब को काम है करके राजी भी को नहीं जी का पिस्ता बिदा माड़ा है 50,000 की माड़ा है ये हमारा गरीबा काम को नहीं होते है आगे जी का छोटे है मेरे वर्ग जी का चेला चपटा है ना बे पिस्ता बिदाम माड़ा हुआ है जी बांगर पिस्ता बिदाम वाह है 50,000 की माड़ा किसी मंत्री गाल दो थे धर्म भाई बन जाओ कौन कहीं गप है बिना पार्टी मतलब कौन है बिन तो यहाँ आदमी बढ़िया हो आगे काम देगो सुनो आदमी बढ़िया हमारे आदर मान करना है अरे हमारा वर्ग जी का नंगड़ हुआ है बांगर ना तो पिस्ता बिदाम है मारकन बुखाई है जी भाई मारकन सही ढंगों को नहीं जितनी कम है बुखाई करना तुम्हारा काम कौन रुका है अब जी हमें कोई गांव में बैठे तो अठा मैं लम्बी गांव में आई हूँ आज तो लम्बी गांव की एक समस्या बहुत तगड़ी महिला इकट्ठी होगी हमारे गांव लम्बी गांव की बुजुर्ग इकट्ठा होया तो दिग्विजय जी हमें ना आ रहे थे तो गरीब की समस्या आगे मतलब सरपंच साहब कराएगा मसला तो हाँ दिग्विजय दिखा देंगा भी चौधरी साहब वो मसला सरपंच ने कह कराओ क्योंकि सरपंच भी आ गई है मेंबर भी आ गई है MLA भी आ गई है तो ये जियाँ कट्ठ हो जाए फिर तो हमारा वर्ग जियाँ कोई अगे लागेडा कार्य करता है करवा दे काम और कई बार कार्यकर्ता में नुक्स हुआ जी नेता में नुक्स को नहीं हुआ किसी पार्टी को नेता जी नेता में कभी नुक्स को नहीं हुआ वो जी का मेरा वर्ग आगे चेला चपटा छोड़ डा है बे आगे जागरूक को नहीं होने गरीब ने। ये बात आपने बड़े पति की बोली कार्यकर्ता नेता तक बात पहुँचने ही नहीं देता फिर हम क्या कहते हैं गाँव में भी सरकार माड़ी है सरकार गलत है मोदी माड़ा है चौटाले वाले माड़े है कांग्रेस माड़ी है तो माड़ी कौन बनावा है जी जिका गांव का कार्यकर्ता है अब जी आपका तो आई सरपंच साहब पर कांग्रेस का सरपंच है तो सरपंच तो कांग्रेस हो गया अपन कांग्रेस तो वोट कौन कर दी वोट तो गांव कर दी है अमित सिहाग जी ऊपर सोनिया गांधी गाल गई है सरपंच तो गांव का बनाई है तो भी मैं तो गांव को काम तो सरपंच साहब ने करना चाहिए भैया कांग्रेस का तो कांग्रेस का वोट जोड़ो वो मांगो फर्ज है। अब अमित शाह जी का भी मेरे सरपंच बैठे बन तो हौसलो है भी मेरा सरपंच वहाँ बैठा जी लम्बी गांव में कोई मेरे को तो परवाह ही नहीं तो परवाह नहीं वो आगे तुम नहीं बता रहे ना समस्या है जो गाँव की तो आगे बताएंगे तो फिर गाँव समस्या हल हो जाएगी तो इसलिए जो हम कार्यकर्ता है ना हमारा कसूर है जी सारा किसी का कसूर नहीं। तो अब की बार फिर हरियाणा में कोई माहौल किस पार्टी का लग रहा है? ना जी बिचौदी साहब है हरियाणा का माहौल तो ऐसे है अभी सरसा जिले तक आगे तो इनका है ही जो सिस्टम बीजेपी का कांग्रेस करेगा जो है सिरसा जिला में तो ये 5-7 सीटें जो है ये तो इनकी है ही है जी कंडा बन जाए जी सांडा बन जाए जी कोई बन जाए ये तो आशीर्वाद वाली है जी जी बिल्लू भाई साहब का आशीर्वाद ले लें जी दिग्विजय जी का ले लें जी आदित्य भाई साहब का सवाल फिर ये तो इनके ही आदमी ये सारे ये तो इनके ही बनेंगे 5-6 कोई है जो कांग्रेस का बन गया तो भी इनके ही है लेकिन काम का मकसद है भी काम होना चाहिए वो भी गरीब का अमीर तो जी मैं आपको बताइए 50,000 की माड़ा डाल दी और पिस्ता बिदाम हो गयो काम। तो आप कह रहे हैं कि अभी वो सिचुएशन नहीं है कि काम कोई कर नहीं रहा है लेकिन कार्यकर्ता जो है आम पब्लिक को बहका रहा है। हाँ जी बिल्कुल गांव में जैसे मेरे पे लगा लो मैं बैठा हूँ यहाँ लम्बी गाँव में तो मैं जेजेपी का पार्टी का आदमी हूँ तो मैं जेजेपी के गुण गाऊँगा यहाँ एक साइड में कोई कांग्रेस भाई खड़ा है तो वो कांग्रेस के गुण गाएगा दूसरे बिल्लू भाई साहब आदमी खड़ा है तो वो बिल्लू भाई साहब के गुण गाएगा तो ये एक सिस्टम बना लेना जो कार्यकर्ता तीनों पार्टियों की गाँव में भी पार्टी तो ऊपर रह गई ना गांव के कार्यकर्ता जो किसी पार्टी का हो गांव में एकजुट रखना चाहिए किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो गांव में एकजुट होकर रहे जे बिल्लू भाई साहब आ रहे तो बिल्लू भाई साहब से कर दो सवाल मेरे भाई साहब जी हमारा ये काम है जे अमित शाह जी आ रहे तो अमित शाह जी से काम कर दो मेरे भाई साहब जी ये हमारा काम है तो जब तक ये तीनों चारों कार्यकर्ता पार्टियों के ना मिलेंगे ना, गांव के काम नहीं होंगे जी, ना ही कोई पार्टी कर सकेगी। ऑनलाइन वाला जो हाँ बता रहे हो, अब एक हमारे गरीब जो है ना भड़काऊ लोग है, गरीब है ना, अब 5 लाख का लोन कहते हैं आधार कार्ड पे दे देंगे। हमारे गरीब हरेक बैंक में जाते हैं, वहाँ कोई 5 लाख वाला कोई बात ही नहीं। चल ठीक है मालको, हाँ माफ़ी दियो गलती से। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी राय रखी है और बताया है कि क्या माहौल बन रहा है इस बार, और ख़ास करके जो यहाँ की जो बीते साल 10 सालों में सरकार ने कितने काम किए और क्या कितने काम नहीं किए। नमस्कार।